नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर वन। हफ्ते का दूसरा कारोबारी सेशन और भारतीय बाजारों में बिकवाली का दबाव कायम है। 21,978 आज सुबह का लेवल था, लेकिन वहां से बस स्लाइड ही करते जा रहे हैं हम। 21,833 का लो छूने के बाद इस समय बीचों बीच है 200 पॉइंट का नुकसान, लेकिन इस समय दिख रहा है। सेंसेक्स पर भी भार है, करीब 550 पॉइंट से ज्यादा के नुकसान के साथ हम कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी बैंक 175 पॉइंट नीचे इस समय आपको दिखाई देगा, और मिड कैप्स में तो 650 अंकों का नुकसान। स्मॉल कैप जो कल थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर रहा था, आज ये भी करीब 100-150 पॉइंट के नुकसान पर कारोबार कर रहा है। अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशंस हैं आज के दिन। चुनिंदा बैंक्स है जहां पर हमने देखा है पोजीशंस थोड़ी सी तेजी की, जिसमें कोटक, ICICI जैसे स्टॉक सामने दिखेंगे। भारतीय एयरटेल का सहारा मिला है। TCS आज वो बड़ी ब्लॉक में जहां पर टाटा सन्स ने अपनी 0.65% हिस्सेदारी बेची है, उसके बाद दबाव में रिलायंस इंडस्ट्रीज नीचे आ रहा है। L&T इंफोसिस ये दूसरे स्टॉक्स हैं जहां पर सेल साइड की पोजीशंस। तो कुल मिलाकर ये जो 200 पॉइंट गिरने वाले शेयर हैं, ये इन्हीं दिग्गजों की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति हो, किस तरह के स्टॉक्स आप आइडेंटिफाई करेंगे, हमारे जानकारों की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, उस सब पर बातचीत करेंगे। हमारा साथ इस हफ्ते दे रहे हैं रूपक डे, जो 4% के रिटर्न्स कल तक कमा चुके हैं। प्रशांत सावंत, 2.5% तक के रिटर्न्स इनके बने, और ओम मेहरा के भी 2.5% के रिटर्न्स रहे, लेकिन आज मार्केट की चाल बिगड़ गई है। रूपक, आपकी रणनीति क्या रहेगी? कॉशन एक तरफ, लेकिन क्या आपको लग रहा है कुछ मंदी के सौदे भी ले लेने चाहिए इस तरह के मार्केट में? जी बिल्कुल, अगर हम लोग देखें तो निफ्टी ने पिछले 3 दिनों का जो कंसोलिडेशन लो था उसका ब्रेकडाउन दिया आज के दिन, तो ओवरऑल सेंटीमेंट निफ्टी में बेयरिश रहेगा। ओवरऑल ग्लोबल सेंटीमेंट भी थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन ज्यादा बहुत ज्यादा करेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि फेड का अनाउंसमेंट है, तो उसके लिए मार्केट एक रेंज में रहेगा। नेगेटिव रहेगा फिर भी रेंज में ही रहेगा। बैंक निफ्टी निफ्टी की तुलना में थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी दिखा रहा है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट हो जाएगा 46,300, ये नहीं टूटा तो चांसेस है कि बैंक निफ्टी भी और ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में बाइंग आए। बट ओवरऑल हमारा जो स्ट्रैटेजी रहेगा, दोनों साइड में रह सकते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। शॉर्ट में ट्रेड्स आप लेकर चलेंगे, लॉन्ग और शॉर्ट क्या ट्रेड्स आएंगे वो सिलसिला शुरू करते हैं। रूपक का पोर्टफोलियो लेकर आइएगा प्लीज। रूपक ने कल टाटा स्टील बुक किया 152 के लेवल्स पर, गेल आज बुक किया है, बेग योर पार्डन, गेल से आज एग्जिट किया 174.25 के लेवल पर, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक के ट्रेड को अभी भी कर रहे हैं होल्ड। PNB का वैसे टारगेट इनका 135 का है। बताइए आज का नया सौदा क्या रहेगा रूपक? मेरा नया सौदा रहेगी रेनबो स्टॉक ने 200 डेज मूविंग एवरेज के पास एक सपोर्ट लिया, उसके बाद राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर जा रहा है, तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में 1350 तक जा सकता है स्टॉक, और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1129 पे। स्टॉप लॉस एंड 1350 आप कह रहे हैं, ये रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल की बात हो रही है या रेनबो मेडिकल जिसे आप कहते हैं? 1175 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ, 4% ऊपर, सेम स्टॉक राइट रूपक? जी हाँ। ओके, तो 1129 का स्टॉप लॉस रखें, बाय साइड का ट्रेड है, और 1350 आपका टारगेट, ये है फिलहाल आपके लिए वो पहला ट्रेड, ठीक है। चलिए अब खिलाड़ी नंबर वन पर वापस लौटते हैं। मेरे ख्याल में रूपक ने एक और स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया है, रूपक बताइए। जी हाँ, मेरा अगला स्टॉक रहेगी PFC में सेल कॉल रहेगी। तो स्टॉक ने एक डेली चार्ट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन दिया, ये बहुत फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ PFC के चार्ट में नेगेटिव ब्रेकडाउन हुआ, बहुत बड़ा ब्रेकडाउन, तो मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंट करेक्शन आ सकता है स्टॉक में, 310 तक जा सकता है नीचे, और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 377 पे। 310 तक करेक्ट हो सकता है PFC, शॉर्ट साइड का ट्रेड है, 377 का आप स्टॉप लॉस लगाकर चलेंगे, ठीक है। अब आइए रूपक के पोर्टफोलियो पर। PNB होल्ड किया 135 का टारगेट, रेनबो मेडिकल में 1350 के टारगेट के लिए बाय का कॉल है, 1129 स्टॉप लॉस, और PFC अभी शॉर्ट किया है, 310 टारगेट, 377 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स क्या बन रहे हैं? PNB 0.38, रेनबो मेडिकल करीब 1.24, और PFC भी इनको अच्छी खासी कमाई करके दे रहा है 0.26% की। ओवरऑल रिटर्न्स की टैली में अब 6% के रिटर्न्स के साथ प्रशांत आगे हैं, और 5% के रिटर्न्स है रूपक के, और मेरा करीब -2% के रिटर्न्स पर बैठे हैं। कोई भी बदलाव आएगा उसकी जानकारी आपको चैनल पर मिलेगी, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर मिलेगी। गुड लक टू यू जेंटलमैन, आपसे कल सुबह में फिर मुलाकात होगी। लेंगे एक ब्रेक, आगे ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।